सितंबर इनटेक है ना बड़ा बहुत भारी महीना चल रहा कनेडा को पैसा देना बहुत उतों के कॉलेजों ने नप लेना प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से विद इन 2-3 डे सैट मेरा नाम प्रोफेसर एम पी सिंह कमिस्ट्री गुरु है जी हाँ प्रोफेसर साहब G20 सम्मेलन में कनाडा का प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए थे अच्छी बातचीत भारत के साथ चल रही थी जी उसके बाद वहाँ जाते ही उनकी बयानबाजी जो हुई है और एक व्यक्ति को लेकर हुई है जो यहाँ की जो नेशनल एजेंसी है NIA उसकी तरफ से आतंकी उसे घोषित किया गया है जी जिसकी हत्या हो गई थी कनाडा में जी लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान आना भारत पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो हत्या जो है भारत द्वारा करवाई गई इस पे क्या देखो आज से कुछ साल पहले वहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन थी वो 1.5 लाख के इर्द गिर्द थी कहीं पे आज वहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन है कम से कम 11-12 लाख की हो चुकी है और उनके MP सिख ज़्यादा है हमारे से यहाँ से अब बात खड़ी है वहाँ पे कि पहला इल्ज़ाम NIA ने लगाया उसके ऊपर निजर के ऊपर कि ही इज़ डूइंग समथिंग ऐसे काम कर रहा है जो हमारे देश की सॉवरनिटी अखंडता को ख़राब कर रहा है तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों को प्रूव करना चाहिए था स्टार्ट यहाँ से हो रहा है बात कुछ ज़्यादा खास नहीं है देशों को एक डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं उनके एक इंटरनेशनल लॉ होता है उसके साथ चलना पड़ता है कोई भी देश हो चाहे इंडिया है चाहे कनाडा मैं यहाँ कहना चाहूँगा ट्रूडो जी यहाँ पे इतने दिन मेहमान नवाजी करते रहे हमारे होटलों मेरे हमारे उनका जहाज़ ख़राब हो गया उनके देश का खुद का जहाज़ ख़राब और हमारा देश कह रहा है उनको हमारा जहाज़ आपको छोड़ के आएगा इतनी मेहमान नवाजी के बाद वहाँ जाके ये बोल देना कि जी पोटेंशियल लिंक्स आर देयर ऑफ इंडिया एजेंसीज अब ये गैर जिम्मेदाराना एक बयान है मैं कहना चाहूँगा ट्रूडो जी को कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फंसने से आपको क्या मिल रहा है आपको शाम को ही बयान बदलना पड़ा आपने बोला मैं प्रवोक नहीं करना चाहता मैं एस्केलेट नहीं करना चाहता ये सिचुएशन को सो मैं कहना चाहूँगा ट्रूडो जी को पता है मैं कनाडा में फेल हो रहा हूँ तो जब कोई लीडर फेल होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाता है मैं तो ये कहना चाहूँगा हमारे बच्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ये वहाँ से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं ये यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में क्या बीतरी होगी जिनको इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं सो मैं सरकारों को बोलना चाहूँगा बच्चों को फियर लेस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी जल्दी से जल्दी सिचुएशन बनानी ज़रूरी है टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी आप प्रोफेसर हैं बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं जी आपसे पढ़ाई करके विदेश जाते हैं खासकर कनाडा की बात करें जी तो कनाडा में अभी तक आपकी तरफ से कितने बच्चे आपसे शिक्षा लेकर गए हैं और आगे और भी जो जाने वाले हैं उनको लेकर क्या लग रहा है कि क्या हालात उनके लिए सही हैं देखो बहुत बच्चा मेरा वहाँ पे पढ़ रहा है और पढ़ चुका भी है और यहाँ से कई बच्चे जाने वाले भी हैं जनरली मैं प्लस टू के बाद जाने के हक में नहीं होता उसके बाद जाओ कोई दिक्कत नहीं पर सितंबर में सबसे ज़्यादा बच्चा दुआबा रीजन से पंजाब से जाता है कनाडा में और उनको वहाँ पे GIC भरनी पड़ती है कितने कितने पैसे ट्रांसफ़र भी हो चुके होंगे कनाडा को तो उन बच्चों के बारे में सोचा जाए उनके अंदर क्या बनेगा उनके माँ बाप के अंदर जिन्होंने अपने घर को बैंक के हाथों लोन में रख के और ब्याज पे पैसे उठा के वो बच्चों को भेज रहे हैं उन माँ बाप के हृदय के बारे में भी सोचना चाहिए ये अपनी पॉलिटिक्स के बारे में अकेले नहीं सोचना चाहिए तो मैं यहाँ पर अपील करूँगा सरकार से और गैर जिम्मेदाराना बयान देना किसी को भी अलाउड नहीं है कोई भी हो चाहे ठीक है जी फिरकूवादी बयान इसको फिरकू रंग ना दिया जाए क्यों वी आर द डेवलप्ड नेशन हम भी डेवलप हैं और कनाडा भी डेवलप है तो कई लोग जो न्यूट्रल होंगे 80-90% लोगों को कोई लेना देना नहीं है इस फिरकूवादी से सो मैं कहना चाहूँगा सरकार को आप जल्दी से जल्दी आप हम्बल हो जाओ हमारे बच्चे वहाँ पे बैठे हैं क्या दिक्कत है जिस मिनिस्टर की बात की जाए तो उसके घर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे नोटिस भी लगा दिया गया जी NIA की तरफ से बताया था आपने CBI की तरफ से देखो ये सब इन्वेस्टिगेशन है उसके क्या लिंक है कैसे है लोगों के बीच में ये बातें आती उसने टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के लिए की है कि नहीं की है फिर मैं बता रहा हूँ उस बच्चे को क्या लेना देना इन एक्टिविटी से जो एक फ्यूचर बनाने के लिए कनाडा में जा रहा है सो मेरी सरकार से एक ही अपील है आपको यहाँ पे अपने बच्चों को दिल के टुकड़ों को जो हमने वहाँ भेजा है उनके हिसाब से आपसे बात करनी चाहिए हेट क्राइम आप कह रहे हो वहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे अटैक हो सकते हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं अटैक हो सकते हैं ये एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है ठीक है इट्स नॉट अ मैटर कि यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाएगा वहाँ पे हमारे बच्चों पे अटैक हो जाएगा हमारे बच्चों के अंदर फियर पैदा हो रहा है इन चीज़ों से सो मैं सरकारों को यहाँ पे बैठी अम्बेसी को और वहाँ पे बैठी अम्बेसी को कहना चाहता हूँ काइंडली
जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए और एक एमिकेबल रिलेशन बनाया जाए। संगठन एक वहाँ पे बहुत सक्रिय है जहाँ जिसके लिए एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है कि पंजाब के लोग हों, देश के लोग हैं, वो जो वहाँ पे कनाडा में गए हैं उनको थोड़ा उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कुछ ऐसी गलत घटना घटित हो जाए कि जिनसे उनको उनकी जान भी आ जाए, तो इसी लेकर कैसे देते हैं। देखो कुछ लोग हैं जो फिरकूवाद की राजनीति कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको बेसिकली मैं सोचता हूँ ये कहीं ना कहीं आईएसआई प्रोवोकिंग है, पाकिस्तानी कनेक्शंस है जो ये प्रोवोक करता है उनको ऐसा करने के लिए। देयर मे बी अ फाइनेंस फंडिंग ऑल्सो, पर वहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं जिनको पता है पंजाब बाबे नानक की धरती है, यहाँ पे हमारा दरबार साहब है, वो पंजाब की इज्जत करते हैं। सो मैं कहना चाहता हूँ पंजाब को कनाडा से दूर कभी भी नहीं किया जा सकता, सरकारों को समझना होगा। लेकिन जो मांग उठाई जाती है खालिस्तान की, पंजाब जो है खालिस्तान बनना चाहिए। मैं देखो जी देखो मैं भी सिख बंदा जी, है ना जी, आई एम द देयर, मैं भी एक सिख इंसान हाँ, और मैं चाहूँगा कभी भी खालिस्तान मेरी डिमांड नहीं है। मेरी डिमांड एक अच्छी जॉब है, मेरी डिमांड एक अच्छा सिस्टम है, सिस्टम के साथ फाइट की जा सकती है, देशों को अलग नहीं किया जा सकता। हम सिखों ने ही तब आज़ादी के लिए 1800 लोगों ने जान दी है इस देश की आज़ादी के लिए, तो कैसे उसका बलिदान हम भूल सकते हैं। हमारे पूर्वजे इस देश के लिए थे, ठीक है, कोई सिस्टम ख़राब हुआ, हमारे भाई जो उधर बैठे हैं उनको कोई सेटबैक लगा, उसको सॉल्व किया जा सकता है। पर इनके बीच में जो लोग फिरकूवाद की राजनीति कर रहे हैं, जो खुद खालसा नहीं और खालिस्तान मांग रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है पहले खुद खालसा बनो फिर खालिस्तान की मांग होती है, और खालिस्तान की मांग, खालिस्तान होना और खालिस्तान की मांग करना बहुत फ़र्क है।